हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल ही बाजार जैसा थिक और ब्लैक शैम्पू, जो मैंने घर पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनाया है। ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरीके के पैकेट्स मिलते हैं बाजार में जो शैम्पू के, ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके के ये शैम्पू के पैकेट्स मिलते हैं बाजार में। ये बोलते हैं कि ये काला करेंगे बालों को, घना करेंगे। और ये मेरा खुद का घर का बनाया हुआ, तो आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ कि दोनों की थिकनेस क्रीमीनेस कैसी है। और आप देखिए, ये देखिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही कंसिस्टेंसी के हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लुक के हैं। और आप देख के बता ही नहीं सकते कि कौन सा किस किसका है। बस ये वाला जो है, ये केमिकल से बना हुआ है, बिल्कुल ही आर्टिफिशियल शैम्पू है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, और ये है ऑल नेचुरल। तो चलिए व्यूवर्स, मैं आपको बताती हूँ ये मैंने घर पे कैसे बनाया है शैम्पू। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी बन जाएगा और आपको फिर केमिकल शैम्पू बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बालों को काला कर देगा। तो व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई। और ये वाला शैम्पू बनाने के लिए आपको लोहे की कढ़ाई लेना बिल्कुल ज़रूरी है। लोहे की कढ़ाई से क्या होता है, हम जब इसके अंदर ये शैम्पू बनाएंगे तो लोहा से ये रिएक्ट करेगा हमारा जो पाउडर है। और कोई भी खट्टी चीज़ उबालते हैं तो लोहा की कढ़ाई है जो वो काला कलर छोड़ती है। तो लोहे की कढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है इस शैम्पू को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई ले ली है और इसके बाद मैं इससे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास है ये आंवला अरीठा शिकाकाई का पाउडर है। ये इजीली बाज़ार में अवेलेबल है, आप किसी भी किराना स्टोर से इसको ले सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाता है। और ये मुझे सिर्फ 40 रुपीज़ का पड़ा है, बहुत ही सस्ता है। अगर आपको अलग से आंवला का पाउडर, शिकाकाई का पाउडर, अरीठा का पाउडर मिलता है, अलग अलग मिलता है तीनों का पाउडर, तो आप इसको बराबर क्वान्टिटी में यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर तीनों का एक साथ ही जो पाउडर अवेलेबल मार्केट में है वो ले लिया है। वैसे आप चाहे तो इनको रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे शिकाकाई खरीद सकते हैं बाजार से, आंवला भी खरीद सकते हैं और उसके साथ आरीठा भी खरीद सकते हैं। पर फिर आपको वो इक्वल क्वांटिटी में लेके आप उनको प्रोसेस करना होगा, उनको रात भर भिगोना पड़ेगा और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, तो इसलिए मैंने पाउडर इस्तेमाल किया है। पाउडर से हम सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपना शैम्पू बना के तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, शैम्पू बनाने के लिए पहले हम गैस को स्टार्ट कर लेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे गैस चला दी है। तो व्यूवर्स, ये 1/4 कप के करीब मैं इसमें आंवला अरीठा शिकाकाई का पाउडर जो है वो नाप लूँगी, नाप के ले लूँगी। तो देखिए, ये मैंने नाप के 1/4 कप ले लिया है और ये इसके अंदर हम डाल देंगे। और व्यूवर्स, इसके बाद हम लेंगे एक लकड़ी का चम्मच और इसकी सहायता से इसको कंटिन्यूसली धीमे धीमे हिला के हमको इसको भूनना है। और इसको हमको भून के बिल्कुल डार्क कलर का कर देना है, बिल्कुल काला कलर का कर देना है, क्योंकि व्यूवर्स इसके अंदर आंवला है, तो ये जब लोहे की कढ़ाई से कॉन्टैक्ट में आएगा तो फटाफट से ये कलर चेंज करने लग जाएगा अपना। और आप देखते रहते होंगे अभी से बॉटम में इसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है, तो हमको इसको मिक्स करते जाना है हिलाते हिलाते, बिल्कुल धीमी आँच पर इसको हमको डार्क कलर का करना है, बिल्कुल काला करना है इसको। तो आप देखते जाइए, ये फटाफट से काला हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आंवला है, खटास से लोहा जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो फटाफट से काला कलर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एकदम से, देखिए कलर थोड़ा चेंज हो गया है। और ये बॉटम में देखिए, और मैंने यहाँ लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया है, आप भी प्रेफरेबली लकड़ी का चम्मच ही इस्तेमाल कीजिए। तो और आप देख सकते हैं कितना जल्दी से ये डार्क कलर का हो रहा है, आप देख सकते हैं ये आपकी आंखों के सामने फटाफट से इसका कलर चेंज हो गया है। और हमको इसको बिल्कुल जलाना है, बिल्कुल डार्क कलर करना है और इसी से हमारे जो शैम्पू है इसका कलर आएगा। इसके अंदर आंवला है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बालों को स्ट्रेंथन करता है, बालों की लंबाई को बढ़ाता है, डेंड्रफ को कम करता है। इसके अंदर शिकाकाई है जिससे बाल जो है वो कंडीशन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, झड़ना बंद हो जाते हैं और काले भी होते हैं। प्लस इसके अंदर अरीठा है जो कि सोपनट है, एक नेचुरल सोप है, तो उससे क्लेंजिंग बहुत ही अच्छी होगी बालों की। तो आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया है, अभी इसको हमें थोड़ा सा और करना है। और आँच बिल्कुल मैंने धीमी ही रखी है और आपको बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलाते रहना है।
आप जितना अच्छा काला कलर करेंगे उतना ही अच्छा आपका शैम्पू बनेगा और उतने अच्छे बाल काले होंगे उससे। और व्यूवर्स, इससे एक बार में बाल काले नहीं होंगे, ये बात का ध्यान रखिए। जब भी आप ये शैम्पू बनाएं तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये हर्बल प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो हर्बल प्रोडक्ट्स जो है वो इतनी जल्दी असर नहीं करते हैं, उनको टाइम लगता है असर करने में। तो आपको ये कम से कम 2 से 3 महीने कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना होगा, और बीच में आपको केमिकल प्रोडक्ट से बचना होगा, केमिकल डाई से बचना होगा, केमिकल शैम्पू से बचना होगा, तो आपके बाल बहुत ही जल्दी काले हो जाएंगे। तो देखिए व्यूवर्स, ये बिल्कुल काला हो गया है और ये देखिए ब्लैक कलर का पाउडर बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फटाफट से एक बॉटल पानी डाल देंगे। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये इसका कलर कितना डार्क है, बिल्कुल काले कलर का हो गया है ये हमारा। तो देखिए व्यूवर्स, ये इतना काला हो गया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना अच्छा नेचुरल ब्लैक कलर आ गया है। और अभी मैंने आंच धीमी ही रखी है, हमें धीमी आंच पे ही इसको पकाना है। अब मैं क्या करूँगी व्यूवर्स, ये जो हमारे पास आंवला रीठा शिकाकाई का जो पाउडर था वो मैं 1 कप इसके अंदर और डालूंगी। 1 कप मैंने भुन के इस्तेमाल किया है और 1 कप मैं साबुत डाल रही हूँ। व्यूवर्स, जो मैंने भुना है वो मैंने इसलिए भुना है इसके अंदर ताकि कलर अच्छा आए और डार्क कलर दे हमको ये। और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ इसके अंदर क्योंकि जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आंवला की, शिकाकाई की, आरीठा की, वो इसके अंदर आए, बिल्कुल नेचुरल रॉ प्रॉपर्टीज़ आए, ताकि हमको दोनों तरह का बेनिफिट्स मिले। जो कलर है वो भुने हुए से आएगा बहुत ही अच्छा, और जो ये है ये क्लेंजिंग करेगा, ये स्ट्रेंथनिंग करेगा। तो मैं दोनों तरीके से ये पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आपके बालों को और बहुत ही अमेजिंग शैम्पू है। मैंने इसे खुद इन्वेंट किया है रिसर्च और प्रैक्टिस करके, 3-4 बार मैंने अच्छे से बना के देखा और उसके बाद मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ इस शैम्पू की। तो डोंट वरी, बहुत ही अच्छा शैम्पू है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमको इसको बॉईल करना है, कम से कम हमको इसको बॉईल करना है 15 मिनट, ताकि ये जो है इसमें से 1/4 जो लिक्विड है वो एवेपोरेट हो जाए और जो हमारे पास वो रह जाए वो थिकन कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड रह जाए हमारे पास इसका। और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं जो बॉर्डर्स हैं उसमें से अभी भी ब्लैक कलर अच्छे से निकल रहा है। तो आप देख सकते होंगे मैंने कढ़ाई इस्तेमाल क्यों की है, कढ़ाई से बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर निकलता है। तो व्यूवर्स, जब तक ये बॉईल हो रहा है मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ। व्यूवर्स, अगर आपको इसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट ऐसे ही ढक के रख दीजिए और सुबह आगे का प्रोसेस कीजिए। व्यूवर्स, अगर आपको मिक्स कलर चाहिए, आपको चाहिए थोड़ा सा ब्राउन शेड में कलर, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चाय पत्ती या फिर कॉफ़ी का पाउडर भी डाल सकते हैं। व्यूवर्स, अगर इसके अंदर आपको थोड़ा सा बरगंडी कलर चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चुकंदर का रस है जो वो भी डाल सकते हैं, उससे जो आपके बालों का कलर है हल्का हल्का बरगंडी हो जाएगा। लेकिन व्यूवर्स, ये ध्यान रखिएगा बात, मैं आपको बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि एक बार में इससे आपके बालों का कलर डार्क नहीं होगा, ब्लैक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो मैं प्रोडक्ट्स बता रही हूँ इसके अंदर डाले हैं मैंने, वो सब हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और हर्बल प्रोडक्ट्स को थोड़ा टाइम चाहिए होता है काम करने के लिए। तो आप पेशेंस के साथ इसको इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर असर दिखाएगा और नुकसान किसी भी तरीका नहीं है इसको इस्तेमाल करने में। और बहुत ही ईजी है, आप इसे एक बार बना के 2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने कम से कम इसको 15 मिनट उबाल लिया है धीमी आंच पे और ये देखिए थोड़ा सा ये कम हो गया है, 1/4 हिस्सा इसका कम हो गया है। तो अब इसके अंदर हम एक प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एप्पल साइडर विनेगर, और एप्पल साइडर विनेगर लिया है मैंने, ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। यहाँ पे जो मैं एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ ये विद द मदर वाला एप्पल साइडर विनेगर है, ये रॉ एंड ऑर्गेनिक है, तो ये मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। ये
बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। व्यूअर्स, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जिनके फ्रिजी बाल होते हैं उनके लिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही अच्छा है। ये डिटेंगल कर देता है बालों को, स्ट्रेटन अप कर देता है, एक अच्छी सी शाइन लाता है बालों में और मजबूती देता है बालों को। और साथ के साथ व्यूअर्स, इसके साथ जो क्लेंजिंग होती है बालों की बहुत ही अच्छी होती है। तो व्यूअर्स, ये मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है और साथ के साथ ये बेनिफिट्स भी देगा आपने हमारे शैम्पू में, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच ये ले लिया है और ये मैं नाप के एक बड़ा चम्मच के करीब एप्पल साइडर विनेगर इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये हमारे शैम्पू को और ज़्यादा डार्क कलर देगा, क्योंकि व्यूअर्स ये सिरका है, ये खटास देता है, तो इससे और भी अच्छे तरीके से हमारी जो कढ़ाई है उससे और भी अच्छा काला रंग निकलेगा। तो व्यूअर्स, इसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ इसके अंदर, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में और बहुत ही अच्छे कर देगा इस शैम्पू को। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने ली है अलसी के बीज, और आप देख सकते हैं ये अलसी के बीज हैं, इस तरीके से हैं, इस तरीके के होते हैं। और व्यूअर्स, अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड में हाई होते हैं, ये स्किन में चमक लाते हैं, एक शीन लाते हैं, तो और बालों में भी एक अच्छी सी शीन लाते हैं। तो ये जो है ये इसको शैम्पू को हमारे थिकन कर देगा। आपने देखे होंगे बाजार में काले कलर के जो शैम्पू मिलते हैं, जो बोलते हैं कि बाल जिनसे काले होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे, बाल काले करने वाले जो शैम्पू होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और वो थिक होते हैं, बहुत ही मतलब बिल्कुल ही पेस्ट जैसे होते हैं। तो ये हमारा जो है ये हल्का सा जेली वाला लुक देगा इसको, और साथ के साथ जो इसके बेनिफिट्स हैं वो तो आएंगे ही। बालों को स्ट्रेंथन करता है, डैंड्रफ मिटाता है, स्मूथ करता है, आप अच्छे से कंघी कर पाएंगे इसको इस्तेमाल करने के बाद, बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं, बिखरे हुए बाल नहीं लगेंगे, फ्रिजी बाल नहीं लगेंगे। तो व्यूअर्स, ये 1/4 कप मैंने अलसी इसके अंदर डाल दी है और इसको मैं कम से कम इसको 5 से 6 मिनट हल्की धीमी आंच पे बॉईल कर दूंगी। तो देखिए व्यूवर्स, ये हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है और आप देख सकते हैं ये जेल में कन्वर्ट भी हो गया है। अभी ये ठीक इतना नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैं कर देती हूँ गैस को बंद। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, एक छन्नी रख ली है, और अब हम ये जो लिक्विड है इसको गर्मा गर्म ही छान लेंगे। तो ये देखिए, ये मैं लिक्विड को गर्मा गर्म ही छान लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने छान लिया है और आप अभी से देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जेल जैसी है। ये देखिए, ये देखिए। तो ये व्यूअर्स ठंडा होने पे और गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास है इस तरीके की एक डब्बी ढक्कन वाली, आप चाहें तो बड़ी बॉटल में भी भर के रख सकते हैं। और इसको देखिए, बिल्कुल जेल जैसा हो गया है, इसको मैं इसमें भर लेती हूँ। और व्यूअर्स, हमें इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो व्यूअर्स, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने बालों को गीला करना होगा अच्छे तरीके से, और उसके बाद 1 से 2 चम्मच इसका लेना होगा अपने हाथ में, जितनी आपकी बाल की लेंथ है उसके हिसाब से आप अपने हाथ में ले लीजिए। और उसके बाद हल्के से मसाज करना होगा, और मसाज करनी होगी आपको 5 मिनट अच्छे से जड़ों में बालों की, ताकि ये जो है ये अच्छे से आपके बालों की जड़ों में असर करे। और इसकी आप लेदरिंग भी कर सकते हैं, आप अगर चाहें, आप जैसे मेहंदी वगैरह लगाते हैं तो आप मेहंदी में भी इसको 2 से 3 चम्मच मिक्स कर सकते हैं, तो मेहंदी का कलर भी अच्छा आएगा और प्लस क्लेंजिंग भी करेगा ये। तो व्यूअर्स, इसको आप हेयर मास्क की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, हेयर मास्क की तरह इस्तेमाल करने के लिए व्यूअर्स, इसको आपको 2 चम्मच दही के अंदर मिक्स करना होगा। और ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से भर लिया है, और इस तरीके से देखिए हमारा ये बाथरूम में रखने के लिए शैम्पू तैयार हो गया है। ये वाला है जो, ये मैं बड़ी बॉटल में भर के फ्रिज में रख दूंगी, और ये बाथरूम में 2 से 3 दिन के इस्तेमाल के लिए रख दूंगी। तो ये बहुत ही इजी इस्तेमाल करने के लिए है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसको घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स, जो इसके रिजल्ट्स हैं, आप मेरे साथ इसके रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसका, ये शैम्पू की रेसिपी कैसी लगी आपको। व्यूअर्स, 2 से 3 सप्ताह इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करने के बाद आपको धीरे धीरे इसके असर दिखने लगेगा, और आप इसे वीक में 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और जब आप अच्छे से मसाज कर लेंगे इसको, उसके बाद आप इसको अच्छे से पानी से, बिल्कुल नॉर्मल पानी से धो लीजिए। व्यूअर्स, मैं आपको दिखा रही थी, इस तरीके के पैकेट्स मिलते हैं
हैं बाज़ार में जो शैम्पू की, ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके के ये शैम्पू के पैकेट्स मिलते हैं बाज़ार में। ये बोलते हैं कि ये काला करेंगे बालों को, घना करेंगे। और ये मेरा खुद का घर का बनाया हुआ जो अभी मैंने आपको सिखाया शैम्पू है, तो आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ कि दोनों की थिकनेस क्रीमीनेस कैसी है। और आप देखिए, ये देखिए दोनों ऑलमोस्ट सेम ही कंसिस्टेंसी के हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लुक के हैं, और आप देख के बता ही नहीं सकते कि कौन सा किसने किसका है। बस ये वाला जो है ये केमिकल से बना हुआ है, बिल्कुल ही आर्टिफिशियल शैम्पू है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, और ये है ऑल नेचुरल जो घर पे हमने बनाया है अभी। तो व्यूवर्स बहुत ही अच्छा शैम्पू है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और इससे कुछ असर भी नहीं होता है, इससे आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे विथ पेशेंस। अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे इसे तो ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो व्यूवर्स आई होप आपको ये मेरे शैम्पू की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है व्यूवर्स तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसे देख के बेनिफिट्स ले सकें इसके। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स, तब तक के लिए बाय।